थोड़ा आपको बचाना चाहूँगा कि जब मैं छोटा था तो मेरे को क्रिकेट खेलने का बिल्कुल शौक़ नहीं था, अलग स्पोर्ट्स का बड़ा शौक़ होता था। मुझे धूप में खेलना अच्छा नहीं लगता था, क्यों लगता था 6 घंटे धूप में कौन जाएगा यार। मेरे फादर वेट कर रहे थे कि आज नहीं कल नहीं कभी कभी तो क्रिकेट खेलना शुरू करेगा। उन्होंने मेरे को वो एकदम समझाया कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तू क्रिकेट खेले, और मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरा यह मानना है लाइफ में कि आपका जो बच्चा है या आप हो, आपको वो करना चाहिए लाइफ में जो आपका दिल करे, जिससे आपको खुशी मिले। मेहनत करना बहुत मुश्किल था 11-12 साल की उम्र में, लेकिन मेरे फादर सुबह से शाम तक मुझे मॉनिटर करते थे। सुबह 6 बजे उठाते थे और बोलते थे भाग बेटा भाग। तो ये सब चीज़ें आई थिंक लाइफ ने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया। माई फादर वॉज लाइक ए हिटलर, सुबह से शाम तक प्रैक्टिस। हमारे घर में कोई हालात अच्छे नहीं थे, मेरे पेरेंट्स बहुत लड़ाई करते थे। ही वॉज नॉट अ गुड इन्वायरमेंट फॉर द हाउस। 2010 में मैं उठा एक दिन, रात को सोया हुआ था और मुझे खांसी आई बहुत ज़ोर से। उठा, बाथरूम गया, खांसी की, थोड़ा खून निकला, और आई रिमेम्बर कि मेरी सेहत काफ़ी ख़राब होती गई। मुझे कई कई मैचों में नींद नहीं आती थी, मेरे बहुत से इश्यूज होने लगे, बहुत सी खून की उल्टियाँ होने लगी, और मुझे लगा कि काफ़ी मामला ख़राब है। खेलते गए और वर्ल्ड कप में हमने अच्छा किया, हम वर्ल्ड कप जीते। युवराज सिंह मैन ऑफ द सीरीज, 4 मैन ऑफ द मैच, 1 ट्रॉफी मैन ऑफ द सीरीज। सडनली फ्रॉम लो टू हाई, I was on top of my world. I was 29 years old. I was peak of my career. It was a dream. डॉक्टर ने बोला बहुत खांस रहे हो, एक बार अपना स्कैन करा लो। बायोप्सी कराने गए, बायोप्सी कराई, बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर सेड इट्स अ ट्यूमर, योर सन हैज़ कैंसर। मैंने कहा ओ डॉक्टर झूठ बोल रहा है। खेल नहीं पा रहा था अच्छे से, तो हमारा एक डॉक्टर है फैमिली डॉक्टर, उनको एक्चुअली रिपोर्ट्स गई, उन्हें बोला आपके पास सिर्फ 3 से 6 महीने बचे हैं। तो मुझे एक्चुअली 1 साल लगा एक्सेप्ट करने में कि मेरे को कैंसर है, लेकिन जब मैं आई वॉज गोइंग थ्रू दैट मोमेंट, आई ऑलवेज थॉट के मैं वापस आके इंडिया के लिए ज़रूर खेलूँगा। 6 महीने में मैं आके इंडिया के लिए दोबारा खेला। भाई लोगों, अपनी ज़िंदगी की लकीर खुद लिखो। 6 महीने में इंडिया खेला, स्ट्रगल किया, बॉडी वैसी नहीं थी, फेलियर्स आफ्टर फेलियर्स, लाइफ हैड बिकम अबाउट फेलियर्स, बिकॉज सबने बोला अभी क्रिकेट करियर ख़त्म है। इट वॉज लाइक क्रिकेट करियर ख़त्म, वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ हिज लाइफ, ही इज़ ओवर प्रीटी मच। तेंदुलकर ने मुझे बोला कि कहता एक मैच तेरा करियर नहीं डिफाइन कर सकता लाइफ का, सो स्टार्ट अगेन। खेलना चालू किया, आई वॉज अबाउट 33, 34, और उसके बाद इंडियन टीम में फिर से नाम आया। वनडे क्रिकेट में 3 साल बाद वापसी हुई, जबकि सबने बोल दिया था कि ये कभी वापसी कर नहीं पाएगा, जब सबने बोल दिया था कि इसका करियर ख़त्म है। उसके बाद आके मैंने अपना हाईएस्ट वनडे स्कोर बनाया, क्योंकि कभी हार नहीं मानी। Yuvraj Singh finishes things off in style.